अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरा लूना कॉइन के बारे में, जिसे लेकर के मार्केट में एक क्यास पाया जा रहा है कि क्या ये ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। इस बात में दोस्तों कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर हम कम्प्लीटली बात करेंगे और उस कम्युनिटी के भी बारे में आपको कुछ आगाही देंगे जो इस वक्त मार्केट में सिर्फ एक ही खबर फैलाने में लगी है कि आप टेरा लूना में एंट्री लें और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ये रातों रात आपके हालात बदल के रख देगा। इसमें कितनी सच्चाई है और ये कौन लोग हैं जो जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहे हैं, क्या इसका आपको फ़ायदा हो सकता है, और अगर आपने इसका फ़ायदा लेना भी है तो आप कैसे इसमें एंट्री ले सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया से आपको हर ताज़ा तरीन खबर फौरी मिलती रहे तो हमारे चैनल के बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं टेरा लूना की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए मार्केट की तरफ। व्यूअर, इस वक्त मार्केट में टेरा लूना को लेकर तमाम इन्वेस्टर में एक गुस्से की लहर मौजूद है और अपना गुस्सा कम करने के लिए एक कम्युनिटी यहां पर अपना नुकसान करने पे तुल चुकी है। यानी कि उनका ऐसा मानना है कि अगर हम क्रिप्टो में इस वक्त पैसे लगाना शुरू करेंगे तो लूना एक मरतबा फिर ऊपर आ सकता है, और उनकी मिसाल उस कौवे की तरह है जिन्हें ऐसे लगता है कि वो एक घड़े के अंदर जो के है पत्थर फेंकेंगे और पानी ऊपर आ जाएगा और वो पानी पी लेंगे। लेकिन दोस्तों, ना तो क्रिप्टो करेंसी का ये जो कॉइन है ये एक पानी का घड़ा है और ना ही इंसान एक कौवा। यहाँ पर आपको इस तरह की वापसी यानी कि $90 की वापसी इम्पॉसिबल सी एक टास्क दिखाई देती है कि लूना फिल वक्त इन दिनों में इन हालात में, जबकि उसका सबसे स्टेबल कॉइन यानी कि USDT क्रैश कर चुका है और वो अगर रिवर्सल करता है तो टेरा लूना फाइनेंस भी इस वक्त खुद जानती है कि दुनिया जितनी ज़बरदस्त गमों गुस्से में है वो फौरी तौर पर विड्रॉल लेना शुरू कर देगी। ऐसा आज तक दुनिया के किसी कारोबार में दोस्तों नहीं देखा गया कि मार्केट किसी भी कंपनी की क्रैश कर जाए और वो बाद में अपने आप को स्टेबल करने में कामयाब अगर हो भी जाए तो वो अपना नाम को जो उसका उसने हासिल किया होता है उसे मेंटेन कर पाए। लेट्स सपोज वो मेंटेन कर भी लेती है, लेकिन दुनिया फौरी तौर पे विड्रॉल लेगी। अब आप में से जितने भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त इन टेरा लूना में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, क्या आप अपने आप से पूछें कि अभी आपको टेरा लूना 80 पे देखने को मिल जाए, मान ले कि 50 पे देखने को मिल जाए, 30 पे देखने को मिल जाए, तो आपकी अगर बाइंग पिछले दिनों की 120 की भी है तो आप कहेंगे यार जल्दी निकलने वाली बात करो और जान छुड़ाओ और आज के बाद टेरा लूना के प्रोजेक्ट में एक रुपया भी नहीं लगाना। ये हो गई दोस्तों एक क्लियर कट थिंकिंग जो मार्केट में हर इंसान में बाय नेचुरल पाई जाती है। किसकी वजह से? गमो गुस्से की वजह से। अब यहाँ पर एक कम्युनिटी जो मानती है कि हम आज इस मरे हुए कॉइन में पैसा लगाते हैं तो हम इसे ऊपर लाने में कामयाब हो जाएंगे, और बाकायदा इस वक्त मार्केट में टेरा लूना पे मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अब ये मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले लोग कौन हैं? ये बकायदा वो कम्युनिटी है जिन्होंने आखिरी दमों में क्रिप्टो में यानी कि टेरा लूना में एंट्री ले ली जब टेरा लूना टूट रहा था, मान लें कि 3040 तक जा चुका था, और उन्होंने बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद उन्हें ये फील होना शुरू हो गया कि ये कभी ना कभी तो पम्प करेगा, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि बाइनास इतनी जल्दी इतना स्ट्रिक्ट फैसला लेकर इसे फौरी तौर पे सस्पेंड कर देगा। अब सस्पेंड करके बाइनास वापस आया है मार्केट में, वो भी पूरी तैयारी के साथ। अब बाइनास यहाँ पर आपको BUSD में ये कॉइन प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने कभी सोचा कि BUSDR है क्या? बाइनास का दोस्तों अपना USDT है, ठीक है, और बाइनास चाहता है कि जो बंदा भी अब टेरा लूना में अपना गुस्सा निकालने आया है वो सबसे पहले BUSD खरीदे। BUSD खरीदेगा तो ही जा करके वो टेरा लूना बाय कर पाएगा, और जब आप टेरा लूना बाय करने जा रहे हैं तो आपके फ्रंट पे यानी कि आपकी पेशानी पे खींच के बाइनास एक मैसेज मार रहा है। वो मैसेज ये है कि जी टेरा लूना की जो ट्रेड है वो हम कभी भी सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है जो आप टेरा लूना की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो बाइनास के साथ उनका अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कि जी आप इसमें अगर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं तो इसकी अगर कहीं अभी मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद 2 ज़ीरो और कम हो गए तो हम इसे फिर सस्पेंड कर देंगे। वर्ड कौन सा बार बार यूज़ करके अवाम को पागल बनाया जा रहा है? सस्पेंड। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ सवाल है मेरे पास, उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कि पहला सवाल ये है कि चंद ज़ीरो मज़ीद अगर अभी किल हो जाते हैं तो आप करोड़पति हो जाएंगे। एक बाकायदा वेबसाइट जो एक फेक वेबसाइट है जिसे मैं फ़िलहाल यहाँ पर दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ कॉपीराइट्स इशू होते हैं,
उसने वहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ तक लिख दिया है कि मैंने $50 लगाकर एक ही दिन में $5,000 अर्न कर लिए। दोस्तों कोई भी एवरेज ऐसी नहीं है कि $50 लगाकर आपने आज के दिन 2 या 3 0 किल होने पे आपने $5,000 अर्न कर लिए हों। लिहाजा इसके ऊपर मार्केट में कौन लोग काम कर रहे हैं, ये एक माफियागिरी है जो इस वक्त चाहती है कि मासूम लोग जो पहले से ही नुकसान कर चुके हैं, जो खास करके किसी को फॉलो करके क्रिप्टो में एंट्री लेते हैं, वो किसी तरह इसमें एंटर हो जाएं। और आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि सर क्या अब क्रिप्टो में एंट्री ले ली जाए। मेरी दोस्तों ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेरा लूना जैसे रिस्की कॉइन में एंट्री लेने की। दूसरा सवाल ये है आज का कि सर लूना मुसलसल पंप कर रहा है। अच्छा, इसका जवाब दोस्तों आपके लिए ये है कि उसकी पंपिंग और डंपिंग इतनी ख़तरनाक है कि मैंने खुद उसे वॉच किया है, वो 100% पंप कर रहा है, 200, 300, डायरेक्ट 1000, फिर डायरेक्ट 400, फिर वो 1800, 1900% तक गया जहाँ तक मैंने देखा। हो सकता है बाद में वो 3000 तक भी चला गया हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे ही देखता रहूँ। फिर वो अचानक 1100 पे आ गया, 1100 से 600 पे आ गया, और शायद अभी इस वक्त शायद मेरा ख्याल है कि वो 500 पे फिर आ चुका है। अब वो आपको पंप दिखा रहा है, और ये पंप करवाने वाले कौन हैं? ऑब्वियसली बाइनांस एक्सचेंज, और उसे मालूम है कि हम कुछ तमाशा दिखाएंगे। तो आपने वो मिसाल सुनी होगी ना, पैसा फेंक और तमाशा देख, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे वो मिसाल उलट है, यहाँ पे पहले तमाशा दिखाया जा रहा है ताकि आप उसका पंप देखें और फिर आप पैसा डालें, क्योंकि सभी जानते हैं कि टेरा लूना एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था जो कि अब दुनिया में फ़िलहाल अभी वो ना आसमान पे है ना ज़मीन पे, तो दरमियान में ही कहीं लटक रहा है। तो दोस्तों लूना की परसेंटेज देखकर जो आपके अंदर इस वक्त कीड़ा जाग रहा है, उसमें एंट्री लेने का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी मार्केट तो इस वक्त पूरी कोलैप्स हुई पड़ी है। काफ़ी हद तक कॉइन स्टेबल तरीन कॉइन ज़मीन पे आए हुए हैं, जैसे कि सोलाना, एवेक्स, उसके बाद जो मेरे अपने ज़ाती फेवरेट हैं उसमें थीटा, FTM, STX और BCH, ETC, बहुत कॉइन है जो डाउन आए हुए हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट द प्रमोटर ऑफ एनी क्रिप्टोकरेंसी, नो, किसी भी सूरत, लेकिन ऐसी पंपिंग एंड डंपिंग में अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो इट्स अ बिग रिस्क, ठीक है। और अभी आप ताज़ा तरीन अपना बहुत बड़ा नुकसान करके आप मार्केट से निकले हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी आपको ऐसे कॉइन से परहेज करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो ये आपकी ज़ाती राय होगी। अगला सवाल दोस्तों ये पाया जा रहा है कि सर इसमें जो USDT के जो हमारे कॉइन्स थे वो अभी तक शो नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये भी बाइनांस ने एक बहुत बड़ी फनकारी लगाई है। उसने अभी जो पेयर ओपन किया है सबसे पहले वो BUSD में किया है, अभी तक सिर्फ फिलहाल आज तक की खबर, हो सकता है आप कल मेरी न्यूज़ देखें ये वाली तो उन्होंने USDT का पेयर ओपन कर दिया हो कोई आपस में कोलैब करके, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। पहली बात तो ये है, और मैं आपको यहाँ पे हरासा भी ना उम्मीद भी नहीं करना चाहता, तो चले मान लें 1% चांस है कि USDT का पेयर आपको दिख जाएगा, तो उसके लिए बेहतर हाल ये है कि आप वेट कर लें। और अब एक और सवाल है यहाँ पर कि किसी को भी उसके कॉइन्स जो हैं कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, उसका क्या हल है? दोस्तों उसका हल ये है कि आपको अचानक आपके जो कॉइन्स हैं उसका अल्टरनेट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अल्टरनेट की जो डेट होगी, जो दिन होगा, जो तारीख होगी, वो कुछ भी जो भी होगा वो बाइनांस खुद सेलेक्ट करेगा। जाहिर बात है उनका प्लेटफॉर्म है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि आखिर वो हमें कब हमारा अल्टरनेट देते हैं। यहाँ पर कई दोस्त हैं जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है $500 की है, और मैक्सिमम का आप और मैं यहाँ पर हिसाब ही नहीं लगा सकते। तो लिहाजा बाइनांस कोई दिन ऐसा डिसाइड करेगा। आप बाइनांस का जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेली लेटेस्ट न्यूज़ आती हैं उसके साथ अटैच रहें, और वहाँ पर जाकर के आप दोस्तों बाकायदा अपना रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। जैसे ही मार्केट में यानी कि बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे कोई टेरा लूना को लेकर नई न्यूज़ होगी आपको फौरी तौर पे मिलती रहेगी। देन अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलती तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में फिलहाल ज्वाइन करने को मिल सकती है, यानी कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं। लास्ट बात करते हैं दोस्तों कि टेरा लूना सर कब तक डीलिस्ट हो सकता है, यानी कि ये इतने सवाल थे कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों इसके डीलिस्ट की बात कर लेते हैं कि ये डीलिस्ट कभी भी हो सकता है। यही बात मैंने वीडियो के शुरू में आपसे डिस्कस की है कि जब आप BUSD बाय करके टेरा लूना ख़रीदने जा रहे हैं और आप जब ख़रीद लेते हैं तो ख़रीदते हुए भी एक मैसेज स्क्रीन के टॉप पे आ रहा है रेड कलर की पट्टी में। मुझे नहीं मालूम कि अब आप किस रीजन में रहते हैं, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिलहाल मुझे देखने को मिल रहा है कि आपका ये जो, और मैं इस वीडियो के आपको स्क्रीनशॉट भी इसके टॉप पे मैं लगा दूंगा ताकि आप देख सकें,
कि आप जिस कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं ये कभी भी डीलिस्ट हो सकता है, ये बहुत रिस्की है, लिहाजा आप अपने पुराने कॉइन बेचें। अच्छा, यहाँ पर भी बाइनांस ने एक फनकारी लगाई है, आपके यूएसडीटी के पेयर के जो कॉइन हैं वो मिल नहीं रहे, आपको दिखाई नहीं दे रहे आपके पेज के यानी कि बाइनांस के आपके अकाउंट में, वो कॉइन का नामो निशान नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने न्यूज़ में क्या लिख दिया है कि जी आप अपने कॉइन को सेल करें, BUSD में कन्वर्ट कर लें और आराम से बाहर विड्रॉल ले लें, इसीलिए हमने सस्पेंड जो है वो बहाल किया है ताकि जितने भी लोग फंसे हुए थे वो निकल सकें। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा किस कम्युनिटी को हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। फ़ायदा ये हुआ है उस कम्युनिटी को जिन्होंने टेरा लूना BUSD में बाय कर रखे हुए थे अभी तक आज की तारीख में। अब यहाँ पर एक लालच भी क्रिएट की गई है, लालच ये क्रिएट की गई है कि अब आइंदा नए लोग ये सोचेंगे कि भाई इससे पहले कि कोई कॉइन डीलिस्ट हो हम उसे USDT में या डिफरेंट किसी और करेंसी में हम नहीं लेते, इथेरियम में भी की करेंसी में भी नहीं लेंगे, हम आइंदा के लिए BUSD में काम करेंगे ताकि कोई कॉइन डीलिस्ट हो जाता है तो हमें कम से कम BUSD में उसका रिटर्न तो मिलेगा इस वजह से कि हमने BUSD में खरीदे थे। तो लिहाजा इस मौके को जो कि है बाइनांस ने है बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ज़बरदस्त यूज़ किया है। और मैं समझता हूं कि अब जितने भी दोस्त हमारे USDT होल्डर्स हैं उनको वेट करना पड़ेगा कि बाइनांस की तरफ से भी लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो क्या मौसूल होती है। इजाज़त चाहता हूं दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ऑफ होने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस बाइनांस के इसके टेरा लूना के पम्प एंड डम्प का हिस्सा बनना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम, लेकिन इसमें इतना ख़तरा है कि आपकी अभी भी जो बाकी रकम है वो भी ज़ाया हो सकती है। अल्लाह हाफिज़।